दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। सबसे एक अहम प्रश्न है, काफ़ी लोगों का ये क्वेरी है कि एग्जाम देने जब सेंटर पे जा रहे हैं तो सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है। तो इसके लिए जो प्रतिभागी अभी परीक्षा में प्रतिभाग करके बाहर निकले हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं, वो आपको अपना अनुभव साझा करेंगे कि एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेके आना है। जी, आपका शुभ नाम? आशीष कुमार यादव। अभी जब आप एंट्री करने गए थे एग्जाम सेंटर पर तो क्या क्या चेक किया गया, क्या क्या लेके आना है? आईडी कार्ड, प्रवेश पत्र। क्या आईडी कार्ड का फोटो कॉपी भी लेके आना है? आईडी कार्ड का फोटो कॉपी नहीं, केवल ओरिजिनल। फोटो भी लग रहा है क्या? फोटो नहीं लग रहा है। फोटो नहीं लग रहा है, सिर्फ आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, पेन, एक पेन लेके जाना है। पेन नहीं मिल रहा है। और आप कुछ बताइए। सर, एग्जाम अच्छा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि अपने समझ पा रहा है। ये पहले EBS का है तो थोड़ा EBS का हार्ड किया है सिर्फ, बाकी सब तो एग्जाम जिस हिसाब से जो पिछला पेपर जो पढ़ा है उसके लिए अच्छा है पेपर। मतलब प्रीवियस ईयर पेपर को ही पैटर्न को फॉलो कर, उसी पर मतलब उसी के समझ पाए, ये नहीं कि उसका हूबहू नहीं आ रहा है, उसी के समझ पा रहा है। चलिए, अनुभव साझा करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चंदन के साथ धनंजय मिश्रा, प्रयागराज।